बालाघाट जिले में पिछले दिनों में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि एवं वर्षा के कारण जिले के गेहूं उत्पादक किसानों की गेहूं फसल प्रभावित हुई है। गेहूं के दाने चमक विहीन हो गए हैं, जिसके कारण ऐसा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए FAQ मापदंड पर खरा नहीं उतर रहा था और इसके कारण किसानों का गेहूं खरीदी केंद्रों पर रिजेक्ट किया जा रहा था। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने किसानों की समस्या को समझकर राज्य शासन को पत्र लिखा था। राज्य शासन ने जिला प्रशासन के पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इसे भारत सरकार को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा बालाघाट जिले के किसानों की गेहूं की जांच के लिए टीम भेजने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार की टीम बालाघाट पहुंची, गेहूं खरीदी केंद्रों का भ्रमण कर वहां से दो दो किसानों से दो दो किलोग्राम गेहूं के सैंपल जाँच के लिए एकत्र किए। जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि किसानों के प्रति जिला प्रशासन की संवेदनशीलता के चलते भारत सरकार से प्रदेश में पहली बार बालाघाट जिले में कोई टीम जांच के लिए आई है। इस टीम द्वारा एकत्र किए गए सैंपल जबलपुर की प्रयोगशाला में जांच के लिए ले जाए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम की जबलपुर स्थित प्रयोगशाला में जांच के बाद प्राकृतिक आपदा से जिले के किसानों की प्रभावित हुई गेहूं की उनकी उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे।